यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। टाइम्स ऑफ भारत पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल, देश की 543 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 315 सीटें और एनडीए को 358 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि इन सीटों पर बीजेपी और एनडीए जीत सकती है। एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 152 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 64 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल को इंडी गठबंधन के नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है, वहीं बीजेपी ने इसे उम्मीदों के मुताबिक बताया है। लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। अब देखिए, 4 तारीख को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच में से आए हैं, बीजेपी के दफ्तर से आए हैं, क्योंकि हार स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है और हार के बाद संभल के बात करना है बहुत मुश्किल होता है। बौखला गए हैं एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता। किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया अघाड़ी सरकार बनाएगी, ये डर है। ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। एग्जिट पोल में हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिली है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक तरफा बढ़त है। छत्तीसगढ़, दिल्ली में भी बीजेपी को एक तरफा बढ़त है। तो ये वो राज्य हैं, ये वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर बीजेपी को एक तरफा बढ़त है, और ये हिंदी पट्टी के इलाके। यूपी में बागपत से फिरोजाबाद तक बीजेपी का परचम है। एग्जिट पोल ये इशारा कर रहा है कि इन इलाकों में कमल खिलने वाला है। आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा। फिरोजाबाद में भी समाजवादी पार्टी की हार के आसार हैं। गाजियाबाद, नोएडा में बीजेपी की जीत तय है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं।